हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग कोर्स। तो गाइज, आज की इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे ऑल्ट कन्फर्म और प्रॉम्प्ट बॉक्स के बारे में। बेसिकली वो चीज़ क्या होता है और कैसे वो काम करेगा, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो बेसिकली आपको पता ही होगा, ऑल्ट बॉक्स अलर्ट बॉक्स जो जो कि होता है, अगर आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जाते हो और वेबसाइट को विजिट करते हो तो कुछ समय के बाद आपको सब्सक्राइब करने की एक आपको आती होगी। ओके, वो चीज़ें होती है अलर्ट बॉक्स। अगर वैसी चीज़ हम लोगों को बनाना है तो कैसे हम लोग करें, ओके, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और कन्फर्म, ओके, कुछ अगर मैसेज हो अगर उसे कंफर्म करना चाहते हैं, ओके, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे कैसे उसे बनाएं। और प्रॉम्प्ट बॉक्स, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ओके। और उस ये जो सारी चीज़ें हम लोग एक एग्जांपल के साथ वो चीज़ सीखेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली मैंने एक स्ट्रक्चर बना ली है और कुछ नहीं बना है, बस स्ट्रक्चर बनानी है। और यहाँ पे मैंने उसकी हेडिंग ऐड करी है और हम लोग अभी जो भी करेंगे बॉडी के अंदर ऐड करेंगे। तो सिंपल, आपको पहले ऐड करना पड़ेगा स्क्रिप्ट, ओके। स्क्रिप्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग अभी ऐड करेंगे, देखो जो भी चीज़ होगी यहाँ पे हम लोग अभी जो ऐड करेंगे वेरिएबल लेंगे, ओके। यहाँ पे देखो, एक वेरिएबल मैंने ले लिया, ओके। तो मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे ऐड करी। और क्या हम लोग वेरिएबल लेंगे, मान लो पी लेते हैं, ओके। एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं पी, तो पी इज इक्वल टू हम लोग मान लो लेते हैं 5, ओके। और एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं जो कि है क्यू, ओके। तो क्यू हम लोगों ने अभी ऐड करेंगे क्या, 3, ओके। और उसके बाद हम लोग अभी एक चीज़ ऐड करेंगे, आप इफ एल्स वो सारी चीज़ आपको पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो अगर आप C++ या जावा, सॉरी C++, अगर C और पाइथन वगैरह की कोर्स अगर आपने की है तो ये चीज़ आपको पता होगा, ओके। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने लिखते हैं इफ, उसके बाद ब्रेकर स्टार्ट, ओके। और इफ पी ग्रेटर देन क्यू, ओके। इफ अगर पी ग्रेटर देन क्यू होती है तो अभी क्या होगा, पी ग्रेटर देन क्यू देन ब्रेकर स्टार्ट, देन हम लोग अभी ऐड करेंगे क्या, अलर्ट अलर्ट और ब्रेकर स्टार्ट। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी इज, पी इज ग्रेटर, हम लोग ने लिखा। और एक चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, एल्स, हम लोगों ने इफ ऐड किया, अभी एल्स ऐड करेंगे, इफ एल्स, ओके, एल्स 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 क्या करते हैं, अलर्ट एल अलर्ट, ओके, एल्स अलर्ट अलर्ट क्या करेंगे हम लोग अभी, अलर्ट करेंगे जो कि है क्या होगा, पी इज ग्रेटर, हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे क्यू इज ग्रेटर, ओके। और उसे सेव करा मैंने, अभी उसकी आउटपुट देखते हैं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि आउटपुट है पी इज ग्रेटर, ओके, हम लोगों ने ऐड किया। क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो जो कि हम लोगों ने पी ऐड की है ना, पी की जो वैल्यू है ग्रेटर है। अगर यहाँ पे ये साइन को अगर हम लेस करते हैं ना तो क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे लेस साइन को ऐड करते हैं ना, ऐड करा मैंने, अभी उसकी आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे क्यू इज ग्रेटर, मतलब जो भी ग्रेटर होगा यहाँ पे उसकी आउटपुट आप देख सकते हो। ये कैसा जो काम कर रहा है, यहाँ पे आपको सेमी कलन भी ऐड करना पड़ेगा, ओके।
ये देखो, ओके क्लियर। अभी हम लोग दूसरी पार्ट के लिए चलेंगे। हाँ, या ये अगर आप लिखना चाहते हो नोटबुक यहाँ पे जरूरी है। मैं यहाँ पे ये जो पार्ट करके मैं इसे डिलीट करूँगा और दूसरी पार्ट हम लोग करेंगे, तो इसके लिए अगर आप उसे नोट करना चाहो तो यहाँ से नोट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो इजीली। तो फिर से यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी, और एक चीज़ हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, जो कि है हम लोग एक वेरिएबल लेंगे। ये रह गया एलर्ट बॉक्स रह गया एक्चुअली। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, कन्फर्म जो कि हो कन्फर्म बॉक्स हम लोग ऐड करेंगे। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे कैसे वो आता है वो देख लो पहले। कन्फर्म कन्फर्म, ओके कन्फर्म, देन ब्रेक का स्टार्ट, कॉल डबल कोट, आर यू लर्न वेब डिजाइन। ओके, सर सेव करा मैंने, अभी उसकी आउटपुट देखते हैं। इस तरह से जो कि आउटपुट ही आएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की एक यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगी इस तरह की। ओके, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें ऐड करेंगे अगर हम लोग इसको एक वेरिएबल की तरह यूज़ करेंगे। ओके, वेरिएबल ए वही पी क्यू हम लोग लेते हैं। पी इज इक्वल टू वेरिएबल पी, ओके इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं कन्फर्म आर यू लर्न वेब डिजाइन। ओके, ये हम लोगों ने लिया। यहाँ पे फिर वही चीज़ हम लोग ऐड करेंगे क्या, इफ और एल्स वही चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। इफ पी इज इक्वल, इफ पी ब्रैकेट के अंदर हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या पी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग अभी ऐड करेंगे क्या अलर्ट। ओके अलर्ट, तो अलर्ट हम लोग क्या करेंगे अभी, अलर्ट जो है हम लोग कुछ भी अगर लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा आर यू लर्निंग वेब डिज़ाइन। ओके, अगर आप लोग इफ अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कीप इट ऑफ अगर मैं लिख रहा हूँ। ओके, कीप इट ऑफ यहाँ पे मैंने ऐड करा, सेमी कलन दिया। ओके, ये एक हो गया। और उसके बाद और एक चीज़ हम लोग ऐड करेंगे क्या एल्स, इफ ए पार्ट हमारा इफ क्या रह गया। ओके, अभी हम लोग एक चीज़ ऐड करेंगे क्या एल्स। ओके, एल्स हम लोगों ने ऐड करा, और एल्स वही सेम चीज़ हम लोगों ने पी को ऐड करेंगे। और उसके बाद हम लोग अभी जो चीज़ ऐड करेंगे ना, तो देखो अलर्ट, ओके अलर्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर यू नीड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ओके, मैंने उसे सेव करा। ओके, मैंने उसे सेव करा, अभी उसकी आउटपुट देखते हैं। ओके, तो आर यू लर्न वेब डिजाइनिंग। ओके, अगर यस तो कीप इट अप। ओके, आर यू नीड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ओके, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरह के आपको अलर्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कंफर्म है, कंफर्म चीज़ है, मतलब हम लोग ये जो दूसरी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था ये ओके कैंसिल आ रहा था, बट इस बार ये क्या हो रहा है यहाँ पे जो कि है आउटपुट यहाँ पे आ रहा है आर यू लर्निंग वेब डिज़ाइन। ओके, तो कीप इट अप।
ओके, आर यू लर्निंग, आर यू नीड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी मतलब चीज़ें चाहो कर सकते हो वेरी इजीली। आप उसे बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो उसकी जो चीज़ें आपको मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपकी रिप्लाई जरूर दे दूंगा। ओके, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके, तो अभी हम लोग और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, अभी क्या करते हैं हम लोग एक प्रोग्राम यहाँ पे ऐड करते हैं जो कि प्रॉम्प्ट की एक हम लोग प्रोग्राम के जरिए से ये सीखते हैं। ओके, ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके, मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ। अभी हम लोग मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। मान लो अगर आप एग्जाम हुआ, आप लोगों ने एग्जाम करा और एग्जाम में आप लोगों ने परसेंटेज वाइज आप लोगों ने पास फेल और कौन सी कौन थर्ड हुआ कौन सेकंड हुआ कि या कौन मतलब फर्स्ट पोजीशन में हुआ, वो सब चीज़ अगर आप आपकी वेबसाइट में ऐड करना चाहो तो वो सारी चीज़ आप लोग कैसे करोगे। तो उसके लिए मैं छोटी सी एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखूँगा, तो ध्यान से देखो वो चीज़ कैसी होती है और उसे आपकी नोटबुक में टाइप मतलब नोट कर लेना। ओके, तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे एक लिखेंगे। स्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, तो वेरिएबल अभी के लिए हम लोग वेरिएबल एक क्यू ऐड करते हैं। ओके, और क्यू इज इक्वल टू अभी हम लोग ऐड करेंगे क्या, प्रॉम्प्ट। ओके, हम लोग प्रॉम्प्ट ऐड करें और ब्रेक कर स्टार्ट, एंटर योर नेम। ओके, एंटर योर नेम। ओके, मैंने यहाँ पे ऐड करा क्या, एंटर योर नेम। ओके, उसके बाद सेमी कॉलन, देन और एक चीज़ हम लोग अभी ऐड करेंगे इफ और एल्स की, जो चीज़ होती है ना इफ और एल्स, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने पहले एंटर किया, पहले जो चीज़ ऐड किया एंटर योर नेम, अभी हम लोग इफ ऐड करते हैं। ओके, इफ ब्रेक का स्टार्ट, देन आप लोग अभी ऐड करोगे क्या, पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 85। ओके, एंड अभी हम आप लोग एम परसेंट टू एम परसेंट यूज करोगे, देन पी लेस देन इक्वल टू 100। ओके, ये चीज़ हम लोगों ने ऐड करा, उसके बाद हम लोग की ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे क्या, डॉक्यूमेंट। ओके, डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन ब्रैकेट स्टार्ट, और हम लोग ब्रैकेट के अंदर अभी ऐड करेंगे यू आर इन मान लो ए देते हैं। ओके, वो आउटस्टैंडिंग के लिए वो देते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग ब्रेकट मतलब सेमी कलर ऐड करोगे, और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे एल्स इफ पी ब्रेकट स्टार्ट देन पी इज ग्रेटर देन। ओके, ध्यान से देखो पी इज ग्रेटर देन 60, हम लोगों ने अभी ऐड किया क्या, पी इज ग्रेटर देन 60, देन पी इज लेस देन इक्वल टू 84। ओके, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड पी इज लेस देन इक्वल टू 84। ओके, तो क्या होगा, तो अभी हम लोग फिर से ऐड करेंगे क्या, डॉक्यूमेंट। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट, आप ध्यान से देखिए ये सारी चीज़। ओके, डॉट WRITE राइट हम लोगों ने ऐड किया, और अभी हम लोग ऐड करेंगे क्या, यू आर द फर्स्ट। ओके, हम लोग अभी ऐड करेंगे क्या, यू आर द फर्स्ट
यू आर इन फास्ट आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो ए हम लोग बेसिकली ऐड कर सकते हैं। ओके वही सेम तरह हम लोग और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, वही एग्जैक्ट सेम तरह हम लोग और भी चीज़ें ऐड करेंगे क्या, इफ एल्स। ओके इफ मतलब एल्स, एल्स इफ ब्रेकेट स्टार्ट पी इज ग्रेटर देन 44 देन, और हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे क्यों, पी इज लेस देन इक्वल टू, अगर हम लोग यूज करते हैं 59। ओके पी इज लेस देन इक्वल टू 59 अगर हम लोग ऐड करते हैं ना, तो फिर हम लोग ऐड करेंगे क्या ब्रैकेट, और वही सेम चीज डॉक्यूमेंट। ओके डॉक्यूमेंट देन डॉट राइट, डॉट राइट ब्रेकेट स्टार्ट। ओके और उसके बाद हम लोग और एक चीज ऐड करेंगे, यू आर इन बी, हमें पोजीशन भी ऐड करते तो अच्छा लगेगा। ओके वो ग्रेड हम लोग यहाँ पे पोजीशन, नहीं तो हम ग्रेड, ग्रेड ए ग्रेड, और यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं बी ग्रेड। ओके ये हो गया, और उसके बाद और एक चीज़ हम लोग वही चीज़ है हम लोग ऐड करेंगे जो कि है एल्स इफ, एल्स इफ पी मतलब ब्रेकेट स्टार्ट देन पी, हम लोग यहाँ पे शायद क्यू यहाँ पे ऐड करिए शायद, नहीं पी हाँ यहाँ पे हम लोग पी करते हैं। ओके पी ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग ऐड करेंगे अभी क्यों, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके देन हम लोग अभी और एक चीज़ यूज करेंगे, पी लेस देन इक्वल टू हम लोग अभी ऐड करते हैं 32। ओके 32 ऐड करते हैं, और फिर हम लोग अभी ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट। ओके डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट देन हम लोग अभी यूज करेंगे क्या, ब्रेकर स्टार्ट डबल कोट, और डबल कोट के बीच हम लोग और एक चीज ऐड करेंगे, डबल कोट के अंदर हम लोग ऐड करेंगे क्या, यू आर इन, यू आर इन सी हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। ओके और एक चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या, वही एल्स। ओके यहाँ पे और इफ नहीं हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एल्स यूज़ करेंगे, और एल्स के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के बाद हम लोग वही चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट। ओके डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट, और उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे क्या, इंटीरियर, इंटीरियर वैलिड मार्क। ओके ये चीज हम लोगों ने ऐड करा, उसे सेव करा, अभी उसकी आउटपुट देखेंगे। ओके देखो अगर हम लोगों ने यहाँ पे 45 मार्क ऐड करा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो यू आर इन बी ग्रेड। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि अगर हम लोग 45 ऐड करी है ना, तो 44 और 45 यहाँ पे आ रहा है, तो अगर ये रहता है तो क्या होगा, ये बी ग्रेड रहेगा। ओके ओके यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो ए बी देन सी। ओके ये मैंने कर दिया, अभी देखो
अगर मैं यहाँ पे मान लो डालता हूँ 1, तो उसकी आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप उसकी आउटपुट देख सकते हो, यू आर इन सी ग्रेड। तो इस तरह आपको मतलब जो कि आउटपुट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, बट यहाँ पे अगर हम लोग दे देते 5, ओके मैंने सेव करा। अभी अगर यहाँ पे मैंने 2 ऐड करा, ओके देखो यहाँ पे एल्स क्या आ रहा था, एंटर योर वैलिड मार्क। देखो मतलब ऐसे अगर यहाँ पे और भी कुछ अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो भी यहाँ पे आप इनपुट दोगी तो ये अगर एग्जीक्यूट नहीं करेगी, अगर इसके अंदर अगर एग्जीक्यूट नहीं करेगी ना, तो आपको सिंपली इस तरह की आपको दिखाई देगा। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग अगर ऐड करते हैं 95, ओके हम लोग अगर 95 ऐड करते हैं, मतलब ओ ग्रेड। ओ ग्रेड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। ओके, हम लोगों ने ओ ग्रेड ऐड की है, मतलब अगर 95 अगर रखते हो आप तो ओ ग्रेड मतलब आउटस्टैंडिंग। अगर आप लोग यहाँ पे 69 में ऐड करा, 69, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी जो आउटपुट रहेगी ए ग्रेड रहेगी, है ना, क्योंकि हमारा जो था यहाँ पे 60 था, 60 से 84 के अंदर जो भी रहेगा वो ए ग्रेड के अंदर रहेगा, तो यहाँ पे ए ग्रेड। वही सेम चीज़ हम लोगों ने देखा था, वी ग्रेड, ग्रेड, सी ग्रेड। इस तरह आप एक चीज़ यहाँ पे बना सकते हो वेरी इजीली। ओके, सो आई होप यू एंजॉइंग दिस क्लास, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी एक और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आप बना सकते हो। अगर आप इसे बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील होगा, और ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।